हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनार के पौधे की देखभाल कैसे करते हैं, और इस पे अनार हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप ये मेरा अभी अनार का पौधा देख रहे हो, ये तकरीबन 1 साल पुराना है। ये देखिए, अभी इसमें कम से कम 5-6 किलो अनार लगे हुए हैं, और ये भगवा क्वालिटी का है, और इसमें सिंदूरी और भगवा ये दोनों क्वालिटी अच्छे माने जाते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको ज़्यादा पौधे लगाना चाहते हैं तो अनार टू अनार इसका डिस्टेंस 3 मीटर का होना चाहिए और लाइन टू लाइन 4 मीटर का होना चाहिए, अगर किसी ने अपने गार्डन में ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो। और अगर किसी किसान भाई ने लगाने हैं तो 2 बीघे में 400 पौधे इसके कम से कम लगाए जा सकते हैं 2 बीघे में। और इस पे जो फल हैं वो 1 साल के बाद आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैंने अभी 1 साल के बाद अभी इस पे फल जो लिया है, मैंने इसकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया फल के लालच में, तो मैंने इस पे फल आने दिए। लेकिन अगर किसी ने बड़ा पौधा करना है तो इसके जो फल हैं उसको झाड़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर में इससे फल लेने में फल ज़्यादा बड़े आएंगे। और कम से कम अगर हमारा 2 साल का पौधा तो कम से कम हम 2 साल में इस पे 10 किलो अनार ले सकते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ता है इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। एक नेमाटोड की खतरनाक बीमारी है, बस उससे इसका बचाव करना है, लेकिन वो बहुत ही कम होने के चांसेस हैं, वो जल्दी जल्दी इस पर नहीं होती। आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टू टाइम करते रहें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इस पर आप जैसे ये देखिए, ये झाड़ी नुमा ना बने, नीचे से इसकी जो कटिंग है वो देखिए आप करते रहिए, और ये थोड़ा ऊपर जाके ही इसकी ग्रोथ हो तो अच्छी बात है। अगर गमले में है तो गमले में आपको स्पेशल इसके पानी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी अगर इसको रेतली मिट्टी मिल जाए तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और पानी रुकना नहीं चाहिए, चाहे गमला हो चाहे ज़मीन पे हो। अभी अगर गमले में लगाना है तो पॉट आपका बड़ा होना चाहिए, छोटा पॉट में ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और इसके जो फल हैं वो भी छोटे रह जाएंगे। और दूसरी बात, ये 1 साल में इसकी 3 बहार आती हैं, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में और जनवरी फरवरी में। आपको कौन सी बहार लेनी है? अगर आपको इसमें से कोई भी बहार लेनी है तो उससे पहले अगर ज़मीन में पौधा लगाया तो 2 महीने पहले आपको इसको पानी को बंद करना होगा, और गमले में लगाया तो 1 महीने पहले। अगर आपको लगता है कि गमले में पौधा सूख रहा है तो उसको थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना है इस पर। और जब इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाएं और इस पर दोबारा पत्तियाँ आना शुरू हो जाएं और फल आना शुरू हो जाए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। अगर गमले में है, गमला छोटा है, तो उसको तो थोड़ा थोड़ा पानी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना। हाँ, अगर इस पर फल आ गया, जैसे ज़मीन में 2 महीने पहले और गमले में 1 महीना पहला आपने पानी छोड़ा, अगर इस पर फल आ गया तो आपने क्या करना है, इसकी हल्की सी गुड़ाई करके इसको 3 दिन ऐसे ही पड़ा रहने देना, और उसके बाद 3 दिन के बाद थोड़ा सा इसको पानी देना है, चाहे गमले में हो और चाहे ज़मीन में हो। और फिर इसको देखना है कि जब फूल से फल बनने लग गया तो आपने इसमें खाद, जैसे कि नीम खली हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, गोबर की खाद हो गई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस खाद को इसमें डालिए, और इसकी क्वांटिटी चेक कर लीजिए, गमले में है तो उसके हिसाब से और ज़मीन में है तो उसके हिसाब से उसको डाल के अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करनी है, और पानी नहीं देना, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद इसमें पानी देना, और जब इसका फल बन जाए तो आप इसको पानी दे सकते हैं। ये देखिए,
इसमें एक तो मोटे बीज वाले अनार कभी कभी आ जाते हैं, अगर हम देखें तो आप पहले साल ही चेक कर लें कि अगर मोटे बीज वाले अनार हैं वो जूस वगैरह में काम आ जाते हैं, अगर छोटे बीज वाले अनार हैं वो बढ़िया रहते हैं और खाए वैसे भी खाए जाते हैं, अगर जूस नहीं भी बनाना उनका। इस पे कभी कभी आप नीम स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी इसके लिए ज़रूरी है, लेकिन पानी इसके लिए जहर है। ज़्यादा पानी अगर इसको दोगे गमले में तो ये मर जाएगा। और हाँ, ज़्यादा पानी से इसकी सिर्फ ग्रोथ ही होगी और इस पे फल नहीं आएंगे, हमें तो फल भी चाहिए ना। तो जब इसकी बहार आपने लेनी है, जिस मौसम की लेनी है, तो 2 महीने पहले धरती पे और 1 महीना पहले गमले में आपको पानी कम देना होगा। और अगर गमले में थोड़ा सूख रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी उसको आप दे सकते हैं। ये देखिए, आपको मेरा चैनल कैसा लगा? मैंने कोशिश किया कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी इसकी दे दूं। हाँ, और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि इसके फूल झड़ते हैं। इसके फूल देखिए, वैसे तो अगर आप पानी का ध्यान रखोगे और खाद का ध्यान रखोगे तो इसके फूल जो नर फूल हैं वो झड़ जाएं कोई बात नहीं, उनका कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि मादा फूल से ही इस पे जो भी है फल बनना है। और आपके इसको बढ़ाने के लिए, इसके फलों को बढ़ाने के लिए, फूल लाने के लिए और फूलों पे उसका फल बनने के लिए जो तितलियां हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो इसकी बहुत सहायता करती हैं। ये देखिए, बस इस पे पानी का ध्यान रखना, झाड़ी नुमा नहीं बनने देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।